हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद कृति। सो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, बट कोई बात नहीं। और अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा हो तो उसको भी इग्नोर करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे पटाखे वगैरह जला रहे हैं लोग। और गाइस, अगेन एक थिंग कि आपको ये वीडियो मैं रात में शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था। काफ़ी कुछ प्लानिंग चल रही है गार्डन की, और थोड़ा बहुत पेंटिंग वगैरह मैं अपने सारे गमले पेंट्स कर रही हूँ, तो वही चीज़ें, क्योंकि दिवाली आ रही है तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। और शायद मैं जल्दी आपके लिए एक पूरा गार्डन टूर वीडियो भी लाऊं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। और जो आप सामने पौधा देख रहे हैं, उसको आपको पता होगा टाइटल से कि ये किसका प्लांट है। इसको आप लोग अजवाइन के नाम से जानते हैं, अजवाइन का पौधा, पर ये अजवाइन का पौधा बिल्कुल नहीं है। इसका नाम मैं आगे बताऊंगी, मतलब। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटे को बजाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ पाएँ। और कुछ कमेंट्स आपने पिछली वीडियोस और पहले वीडियोस पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, सो थैंक यू फॉर ऑल दैट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पसंद आई, और कोई प्लांट्स की आपकी केयर चाहिए या कुछ भी। और अगर आपको गार्डन टूर वीडियो चाहिए तो भी उसका लिखिएगा, और मैं किस तरीके का कंटेंट लाऊं आपके लिए वो भी मुझे बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को से। तो इस प्लांट को कहते हैं कपूर विल्ली का पौधा। कपूर विल्ली आप लोग गलत समझेंगे, बट यार एक ये कपूर विल्ली का पौधा है। हर नर्सरी वाला, हर घर में जो जो भी जानता है, वो इस वीडियो को, इस पौधे को इसी नाम से जानता है कि यह अजवाइन का पौधा है। बट नो गाइज, ये अजवाइन का पौधा बिल्कुल भी नहीं है। इसे कपूर विल्ली का पौधा कहते हैं, और इसके साइंटिफिक नेम है, बट आई डोंट नो, मैं उनको प्रोनाउंस नहीं कर पाती क्लियरली। बट आप जब भी कहीं भी कपूर विल्ली का पौधा सर्च करेंगे तो आपको यही पौधा मिलेगा। सो काफ़ी ज़्यादा नॉइस हो रहा है बैकग्राउंड में, बट अवॉइड दिस, एंड अगर आपको क्लियर आवाज़ हो रही हो तो बहुत बढ़िया है। सो अब हम बात करते हैं इसको ग्रो करना। बेसिकली मैंने इसको कटिंग से ग्रो करा था इन विंटर सीजन में। मेरे नेबर के पास ये पौधा था, तो उनने भी मुझे अजवाइन का करके ही दिया था, क्योंकि इसमें जो फ्रेग्रेंस आती है वो बिल्कुल अजवाइन जैसी आती है। बट ये अजवाइन नहीं है, इसको आप कई नाम से जानते होंगे, कपूर विली अजवाइन, ओरिगेनो भी कहते हैं इसे, ओरिगेनो के नाम से भी जानते हैं। एंड या तो पहले मैं भी सोचती थी कि ये अजवाइन का पौधा होता है, बट व्हेन आई सर्च ऑन गूगल एंड समवेयर, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये अजवाइन का पौधा नहीं होता। एंड इसके काफ़ी सारे आयुर्वेदिक फ़ायदे भी होते हैं, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी प्रोपोगेशन, कटिंग, सब कुछ रेडी कर लेते हैं। कटिंग से प्रोपोगेट करा था, और अब ये मेरा इतना बड़ा प्लांट हो गया। इससे मैंने ये कटिंग्स लगाई, इससे मैंने ये कटिंग्स लगाई, मतलब पूरा मैंने कटिंग से एक बहुत अच्छा पौधा कर लिया ट्राई। तो अब मैं इसका रूट्स, और ये बहुत तो ही ज़्यादा मोटे स्टेम्प हो गए हैं इसका, और इतना अच्छा पौधा बन गया है। अब इसकी इजीली प्रोपोगेटेड है, इसको आप कट करिए कहीं से भी, मतलब यहाँ से कट करिए एंड प्लेस इट इन द सॉइल, बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। पौधा लाते हैं तो पौधा भी, और आई थिंक ये इसकी लीव्स से भी प्रोपोगेट हो जाता है। मैंने करा नहीं है, बट आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं केयर, सनलाइट का कोई चक्कर नहीं, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है। कोई ज़्यादा केयर मेंटेनेंस कुछ नहीं लगता इस प्लांट में, तो बस यही। और ये वीडियो मैं छोटी सी ही बनाऊंगी, कि मुझे और भी काम है। तो बस अब हम बात करते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें वर्मी कंपोस्ट देना है, या रेगुलर आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे अब वर्मी कंपोस्ट को भी पानी में डाल सकते हैं, गोबर की खाद दे दीजिए, या और लीफ कंपोस्ट, या फिर ऑनियन पील और बनाना पील फर्टिलाइज़र कुछ भी दे सकते हैं। तो और मैं अब आपसे ये बात कहनी चाहती हूँ कि इस प्लांट को आप, अगर आपको कफ कोल्ड या फिर स्टमक पेन्स वगैरह में, आप इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। एंड मतलब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये प्लांट ज़रूर ग्रो करिए, क्योंकि अक्सर उनको कफ एंड कोल्ड होता रहता है। तो इस वजह से ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, और ये प्लांट मिंट फैमिली से भी, मतलब मिंट फैमिली से ही होता है, मिंट फैमिली से। तो इसमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, इसको आप फूड में भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी चटनी बना के यूज़ कर सकते हैं। और कहीं कहीं इसका ये रिसर्च में ये भी माना गया है कि अगर हमारे पेट में दर्द हो तो हम इसको खाने
खा लें तो वो भी सही हो जाता है, बट मेनली इसको कफ एंड कोल्ड में लिया जाता है। प्रपोगेशन बता दी, फर्टिलाइजर सॉइल मिक्स वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, और मतलब पॉट का है कि जैसे प्लांट बड़ा होता जाए उसी के साइज, जैसे मेरा प्लांट आप इतना बड़ा है और ये अभी कुछ 10 इंची के पॉट में लग रहा है। और गाइस कमेंट करिएगा कि जो मैंने प्लांटर्स पे कलर करा है वो कैसा लग रहा है। दिवाली पे आई थिंक दिवाली के बाद या पहले मैं आपको वीडियो निकालूंगी पूरा टूर की, कि मेरा पूरा गार्डन टेरेस गार्डन बहुत ही चेंज हो गया है तो उसकी। और गाइस अगर आपको वैसी कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा भी। और इसमें मैंने अभी रिसेंटली कटिंग्स लगाई हैं, वो भी अच्छी चल रही हैं। देखिए ये थोड़ा अभी ज़्यादा हो गया, और ये भी मेरा DIY प्लांटर है, वीडियो आपको मिल जाएगी। ये भी मैंने कटिंग्स, और ये भी प्लांट काफ़ी अच्छा हो गया है, और ये भी मेरा DIY क्वीट सा प्लांटर है। और अभी रात हो रही है और काफ़ी शोर भी हो रहा है। और अगर आपको इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आपको ऐसे और प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे बताइएगा, कोई फर्टिलाइज़र या किस टाइप का कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ पाएँ। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ भी मैं रील्स और अपने पोस्ट वगैरह करती रहती हूँ, तो वहाँ भी हम, और आप लोगों को कोई भी प्लांट के बारे में डाउट होगा वहाँ आप मुझे DM करके एग्जैक्ट पूछ लीजिए, मैं आपको वहाँ ज़रूर बताऊँगी। और एक बार इस प्लांट को आप अच्छे से देख लीजिए, बस एक बार देख लीजिए। ताकि आपको कहीं भी ये प्लांट मिले आप कटिंग से प्रोपोगेट कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय गाइज एंड लव यू ऑल, हैप्पी गार्डनिंग।